नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसका टॉपिक रहेगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जो भी हमारी है, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, UPSC, RRB, TGT, PGT, CTET, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी आप कर रहे हों, तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत डिमांड रहती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि आर्टिकल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही कवर करने वाला है। यहाँ पर मैंने आर्टिकल को ही कवर किया है, सिर्फ आर्टिकल को हमें एरर निकालना है। ए एंड द हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अगर आप पहली बार अपना ये कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार इस पेपर को देख रहे हैं, तो हमें पेपर कुछ इस तरीके से आता है, जहां पर हमें एक क्विकली एरर निकालना होता है। हमें ऑप्शंस दिए होते हैं, लाइक ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, हमें एरर ढूंढना होता है कि कौन से पार्ट में है, या फिर हमें एक ऑप्शन दिया होता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें एक, अगर आप निकाल रहे हैं, इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है? आपको देखना है इसको रफ पेपर पे आपको लिखना है पूरे सेंटेंस को। आप क्या कीजिए, जो एक सेंटेंस आपका रहता है उसको आप एक, जैसे हमारा ये वाला सेंटेंस, आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसको आप अलग पेपर पर लिखिए, या फिर आप इसको एक बार पढ़ के देखिए। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बींग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। तो इसको जब आप एक साइड लिख लेंगे, फिर आप इसको पढ़िए कि इसमें मिस्टेक कहाँ है। चलिए अब इसमें मिस्टेक ढूंढते हैं कि एरर कौन से पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट इसका है ही हैड नो, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। इल्यूजन ऑफ बींग बिल्कुल सही है। इसका मीनिंग क्या आता है? सबसे पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बींग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सही है, इल्यूजन ऑफ बींग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। जब भी आर्टिकल पे ध्यान दीजिए, जब भी कोई आर्टिकल, इट मीन्स ए एन और द, किसी दो डेजिग्नेशन से या किसी दो नाउन से पहले आ जाए, लाइक अ डिस्टिंग्विश राइटर और एडिटर, इट मीन्स इन दोनों में से, यहाँ पर जो दोनों डेजिग्नेशन हैं वो किसी एक व्यक्ति को ही संबोधित कर रही हैं। जैसे कि कोई एक ही व्यक्ति राइटर भी है और एडिटर भी है, और हमेशा चॉइस के लिए आता है आइदर और। यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने की, वो देखिए आइदर और। जब भी कोई आर्टिकल किसी डेजिग्नेशन से पहले आए, अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर, इट मीन्स एक ही व्यक्ति को बोला जा रहा है, वो दोनों डेजिग्नेशन पे है, राइटर भी वही इंसान है और एडिटर भी। लेकिन जब यहाँ आइदर का यूज़ हो गया, आइदर हमेशा बताता है चॉइस, इट मीन्स या फिर तो आप चाय ले लीजिए या फिर आप कॉफ़ी ले लीजिए, इन दोनों में से एक ही आपको चूज़ करना है। तो जब हमें दोनों अलग अलग डेजिग्नेशन दिखानी हो, तो इन दोनों से पहले ही यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होना था, अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एन एडिटर। एडिटर से पहले हमारा यहाँ पर एन आएगा। एन कर आने का रीज़न है कि यहाँ पर जो एडिटर साउंड करता है वो वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए वाउल साउंड जो हमारा रहता है उससे पहले एन आता है। तो यहाँ पर जो हमारा एरर निकलता है वो निकलता है ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड सेंटेंस, इसको भी हमें एक बार पढ़ के देखना है। नितिन्स नेफ्यू हु लिव्स इन बेंगलोर इज ईगर टू ट्रैवल टू दिल्ली इन द विंटर टू हैव ग्लिम्पस ऑफ द कैपिटल। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, नितिन्स नेफ्यू हु लिव्स, यहाँ पर नाउन प्रोनाउन बिल्कुल सही तरीके से यूज़ किया हुआ है। इन बैंगलोर इज ईगर टू ट्रैवल टू दिल्ली इन द विंटर टू हैव, यहाँ तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को इसके साथ मिलें, टू हैव ग्लिम्पस, हैव अ ग्लिम्पस होता है, उसका रीज़न ये होता है, जो ग्लिम्पस होता है, ये वाला जो हमें सेंटेंस आया है, ये RRB चंडीगढ़ 1995 का आपका यहाँ पर सेंटेंस है, हैव अ ग्लिम्पस, यहाँ पर अ आएगा। ग्लिम्पस जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है, और जब भी हम किसी नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरीके से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर उसका यूज़ जो होता है वो आर्टिकल उसको मॉडिफाई करता है, अ ग्लिम्पस ऑफ द कैपिटल। अ ग्लिम्पस काउंटेबल नाउन है जिसको
आप ए और एन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताते हैं। यहाँ पर अगर आप पढ़े हैव अ लुक, लाइक हैव अ लुक, आ लुक, आ लुक मीन्स होता है कि हमें एक देखना है उसको, अ ग्लिम्पस ऑफ द कैपिटल, उसे एक झलक लेनी है। तो यहाँ पर ग्लिम्पस का मीनिंग है झलक, और ग्लिम्पस एक काउंटेबल नाउन है। इससे इसकी वजह से इसके पहले जो आया है वो अ का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट अब हमारा सेंटेंस रहेगा, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही मेक्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी विद द व्यू ऑफ इन्हेंसिंग हिज पावर ग्रेजुअली। ये जयपुर में 1995 का हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम देखते हैं आई डोंट लाइक हिम, फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। हमने पिछले वाले सेंटेंस में आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा ग्लिम्पस है वो काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले हमें आर्टिकल ए का यूज़ करना है। तो हमारा जो एरर है वो नंबर फोर में निकलता है। नंबर थर्ड सेंटेंस की तरफ हम बढ़ चुके हैं, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही मेक्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी विद द व्यू ऑफ। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं विद द व्यू, द किसी भी चीज़ को कब यूज़ होता है, द का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को पर्टिकुलराइज बनाने के लिए, द का यूज़ होता है पर्टिकुलराइज बनाने के लिए। तो व्यू जो हमारा नाउन है, मैंने अभी ऊपर भी बताया व्यू जो हमारा नाउन है वो एक काउंटेबल नाउन है, और अ व्यू टू यहाँ पर जब होता है, ये एक ईडियम है, अ व्यू टू विद अ व्यू टू, ये तीनों ईडियम है, और ईडियम को आप किसी भी हालत में अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसमें जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वर्ब हैं, एडवर्ब हैं, फ्रेजल वर्ब कुछ भी यूज़ हुआ है, उसको आप अपने तरीके से मोल्ड नहीं कर सकते। व्यू एक आपका काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इसको आप काउंटेबल नाउन को पर्टिकुलराइज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आएगा विद द व्यू की जगह विद अ व्यू, अ व्यू टू अपने आप में एक ईडियम है जिसको आप बदल नहीं सकते। तो हमारा एरर है ऑप्शन नंबर थ्री में। नेक्स्ट आप देखिए नंबर फोर पर, ही अड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजंस वर करेक्ट। यहाँ पर हमें एरर ढूंढना है सेंटेंस नंबर फोर में, ही अड्रेस्ड पीपल, नंबर वन को हम पढ़ते हैं ही अड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट। तो हमें इसमें एरर कहाँ पर नज़र आ रहा है, एरर यहाँ नज़र आ रहा है आप नंबर वन को पढ़ें। पीपल जो होता है, पीपल होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है, पर्टिकुलराइज किया गया है। पर्टिकुलराइज करना, द का यूज़ तभी होता है जब हम किसी भी चीज़ को, वो किसे एड्रेस कर रहा है, वो किसे संबोधित कर रहा है, एक लोगों के समूह को संबोधित कर रहा है, लोगों के समूह को पीपल कहा जाता है, पीपल को संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पर द आएगा। ही अड्रेस्ड द पीपल, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो नंबर वन में है। पीपल जो है वो आपका, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर लोग विशेषित किए गए हैं संबोधित करने के लिए कुछ खास लोगों का, जैसे भी कोई हम स्पीच देने जाते हैं तो हम लोगों को देने जाते हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं पर्टिकुलराइज होते हैं। तो यहाँ पर एरर हमारा नंबर वन में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ चलते हैं, इन योर माइंड डेवलप इमेज ऑफ वॉट यू हैव लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। या फिर तो इसमें इन चारों में कुछ एरर है, वरना नंबर फाइव ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। और ये क्वेश्चन मुंबई 1996 के एग्जाम में पूछा गया था। इन योर माइंड डेवलप अ इमेज, नॉट डेवलप इमेज। सबसे पहले चीज़, इमेज एक काउंटेबल नाउन है, और इसमें जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी काउंटेबल नाउन को कभी भी आप उसको डेवलप इमेज, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हमने जो इमेज क्रिएट की है उसे पर्टिकुलराइज किया है या नहीं। तो डेवलप्ड एन इमेज, यहाँ पर एन आएगा, इमेज है क्योंकि वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले हमारा एन यूज़ होगा। तो इससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे तो हमारा जो एरर निकल कर आता है, हम सेंटेंस पढ़े, इन योर माइंड डेवलप एन इमेज, इट मीन्स हमारा जो एरर आया वो आया नंबर टू ऑप्शन में। नेक्स्ट सेंटेंस हम बढ़ते हैं, टेल विनेन दैट ही कैन बिहेव वे ही लाइक्स इन हिज कॉलेज। या फिर तो इसमें एरर है,
नंबर चार ऑप्शंस तक या फिर कोई एरर नहीं है, ये भुवनेश्वर का 1996 ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये 1996 में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें एरर निकालना है। तो नंबर यहाँ पर हम देखें नंबर सिक्स सेंटेंस को, तो वे ही लाइक्स, वे एक पर्टिकुलराइज किया हुआ है, द वे पर्टिकुलर होता है, एक पर्टिकुलर वे होता है, वे ऑफ बिहेविंग विद समवन, जब भी हम बिहेव करते हैं किसी से तो हमारे एक हर किसी इंसान का अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, तो जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ बिहेव किया वो उन्हें पसंद नहीं आया। ही कैन नॉट बिहेव द वे ही लाइक्स, कि जैसा वह चाहता है वैसा किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो हमारा एरर निकल कर आता है वो आता है द आएगा, वे से पहले हमारा द आएगा, तो इससे इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो नंबर थ्री में इसमें एरर है, वो हमारा नंबर थ्री में जाएगा, द वे, वे होता है यहाँ पर, वे को पर्टिकुलराइज किया गया है इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं नंबर सेवन, लास्ट वीक सदानंद हैड मेड रिक्वेस्ट टू मी टू टेक हिम टू बेंगलोर, या फिर तो हमें इसमें एरर ढूंढना है, ये भुवनेश्वर 1996 का उसी एग्जाम पेपर का आपका एसएससी में पूछा गया था ये आपका। यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ देखिए, सबसे पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं लास्ट वीक सदानंद, इट मींस वो सदानंद से पूछा है, हैड मेड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फिर से हम, मैं आपको बता दूं कि जो रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट टू मी आ रिक्वेस्ट होगा, मे का रिक्वेस्ट एक idiom होता है, मेड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो हैड यूज़ की हुई है, यहाँ पर मेड इसलिए आया है, मे का रिक्वेस्ट और मेड आ रिक्वेस्ट एक idiom होता है, idiom को आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, ये मैंने ऊपर भी बताया है, idiom होता है, phrasal verbs होती हैं, ये वैसे ही यूज इस्तेमाल की जाती हैं जैसी ये एक, इनका एक अपना भी मीनिंग होता है, उसी मीनिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हैड मेक अ रिक्वेस्ट जो हमारा एरर है वो नंबर थ्री में है, अ रिक्वेस्ट टू मी, यहाँ पर रिक्वेस्ट से पहले अ आएगा, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, ही मेड रिक्वेस्ट, इट मीन्स यहाँ पर मुझे नहीं पता चल रहा, जब भी काउंटेबल नाउन को आपको सिंगुलर बनाना हो, यहाँ पर अ रिक्वेस्ट है, काउंटेबल नाउन्स मीन्स होता है जिनको आप गिन सकते हो, एक दो तीन, आई हैव टू रिक्वेस्ट, इट मीन्स मेरी दो प्रार्थनाएं हैं यहाँ पर, तो रिक्वेस्ट एक काउंटेबल नाउन है, इसको हमें, इसको जो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले नंबर थ्री में एरर है, अ रिक्वेस्ट आएगा। नंबर एट, सेंटेंस नंबर एट की तरफ हम बढ़ते हैं, हाउ यू ईट इज एज अन इम्पॉर्टेंट एज व्हाट यू ईट, देखिए ये बहुत अच्छा सेंटेंस हमें देखने के लिए मिला है, ये कोलकाता में LIC का पेपर में पूछा गया था, ये बहुत पुराने नोट्स हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी ऐसा दिखाई दे रहा होगा, तो हाउ यू ईट इज एज एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए हाउ यू ईट यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है। सेकंड हमें देखना है जहाँ पर हमारा आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल है एडजेक्टिव से पहले, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका जो कभी भी जो हमारा आर्टिकल आता है जैसे यहाँ पर वो किसी अकेले एडजेक्टिव के साथ नहीं आता, इम्पोर्टेंट नाउन नहीं है, हमेशा हमारे जो ए एन द होते हैं, ए एन द इट मीन्स हमारा जो आर्टिकल होता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, कभी भी एडजेक्टिव के साथ नहीं आता, ये इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आता है, वो कब आता है वो मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कोई नाउन नहीं यूज़ किया हुआ है, तो हमारा जो एरर है वो नंबर टू में है, सेंटेंस कुछ ऐसा रहेगा, हाउ यू ईट इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू ईट, आप इसको, आप एडजेक्टिव को कभी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, एडजेक्टिव काउंट नहीं होते, तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है हमारे सेकेंड ऑप्शन में, तो एडजेक्टिव कभी भी काउंटेबल नहीं होते, ये किस कंडीशन में होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस में बताऊँगी, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है,
यहाँ पर आप देखिए, जब अगर किसी भी, यहीं पर आपको अगर मैं बताऊँ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन आया हो, बिना नाउन के एडजेक्टिव के साथ कभी भी हमारा आर्टिकल नहीं आता. लाइक एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर व्हाट यू एट इज एज एन इम्पॉर्टेंट फूड एज, यहाँ पर लाइक आप देख लीजिए, ही इज अ गुड, ही इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो एन जो आया है वो एडजेक्टिव से पहले आया है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ मैंने क्वेश्चन अगर ऐड कर दिया, मैंने फूड ऐड कर दिया, मैंने प्लेट ऐड कर दिया, इट मीन्स नाउन को मुझे ऐड करना होगा. यहाँ पर हमारा जो एरर है वो यहाँ पर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर 9. इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर राइट सच स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर. अब ये देखिए, हमारा यहाँ पर वही चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है. यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट हम देख लेते हैं इफ़ आई वर यू, बिल्कुल सही है. वर इसलिए आता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आई के साथ वर तो आता ही नहीं, वर आता है जब ये कंडीशनल सेंटेंसेस हो. कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम इमेजिनेशन बोल रहे हों, जैसे हम काश में कुछ बोलते हैं, ये बोल रहा है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होते, कि अगर मैं होता उस जगह, जैसे हम जनरली बोल देते हैं अगर मैं होता तो मैं ये कर देता. आई वुड नेवर, मैं वुड का भी यूज़ तभी होता है जब हम इमेजिनेशन में कुछ चीज़ बोल रहे हैं, अगर मैं होता तो मैं कभी भी उन शब्दों का यूज़ नहीं करता. तो यहाँ पर ये वही बता रहा है. तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल सही है, आई वुड नेवर राइट सच. यहाँ पर देखिए, सच के बाद हमेशा यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव आया है, स्ट्रॉन्ग जो है हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन वर्डेड लेटर नाउन है. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्डेड हमारा एडजेक्टिव है, लेटर नाउन है. तो यहाँ पर जो सच के बाद यूज़ होता है, ए और एन का इस्तेमाल होता है. लेटर एक भी हो सकता है, लेटर काउंटेबल नाउन है. लेटर जो नाउन है वो कौन सा नाउन है? काउंटेबल. लेटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं. तो जैसा कि यहाँ पर इस सेंटेंस में लेटर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तरीके से यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो एरर है हमारा वो कहाँ आएगा? जो एरर आया है हमारा, सच के बाद अ का यूज़ होता है. ये पटना 1997 का आपका एसएससी का एग्ज़ाम का पेपर है, पेपर में से ये क्वेश्चन ने उठाया हुआ है. राइट सच अ स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर, ए और एन का इस्तेमाल होता है सच के बाद, राइट. एंड अब हम नेक्स्ट नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं. दे डिडंट टॉक मच बिकॉज दे डिडंट वांट टू वेक अप द अदर पीपल इन द हाउस. तो हमें यहाँ पर नंबर 9 को देखना है. यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया, सॉरी, नंबर 10 को हम पढ़ रहे हैं, तो नंबर 10 को देखना है, अदर पीपल. तो यहाँ पर आपका जो हाउस है, ये देखिए मॉर्निंग, यहाँ पर नंबर 10 में देखिए, didn't want to wake up the other people in house. In house ये नहीं, यहाँ पर इन्होंने house को particularize किया है, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं, first देखिए, they didn't talk much because they didn't want to wake up in the other people in the house. It means जहाँ पर हम लेते हैं वो एक particular घर है, और जब भी हम किसी countable noun को, countable हो incountable हो, countable uncountable का हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, द किसी के साथ भी आ जाता है. जब हम किसी यूनिक चीज़ का बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं किसी भी ऐसी नाउन की जिसको हम सेंटेंस में मॉडिफाई कर रहे हैं पर्टिकुलराइज करते हुए, तो यहाँ पर हाउस को पर्टिकुलराइज किया हुआ है, तो इससे पहले यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा. और हमारा जो एरर है वो नंबर 4 में है, ये चंडीगढ़ का 1997 का, ये RRB का पेपर है. अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पटना 1998 LIC का पेपर है, उसमें से लिया गया है. तो यहाँ पर नंबर 11, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे हम. अंकित अलोंग विद हिज फैमिली गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द नियर बाय पार्क. अब आपको लग रहा होगा कि इसमें जो एरर है वो बाय पार्क में होगा, लेकिन नहीं, हमारा जो एरर है, अभी हमें आर्टिकल्स ढूंढने हैं. तो यहाँ पर जो हमारा नंबर 10 में एरर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर. आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम idiom की बात करते हैं तो हम idiomatic जो सेंटेंस हैं उनको चेंज नहीं कर सकते.
मॉर्निंग वॉक हो गया आपका, या फिर आपका किसी भी स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो हम जनरली कह देते हैं लाइक गो फॉर अ स्विम, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गो फॉर अ बाथ. इट मीन्स जब भी हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस की और स्पेशली idioms की, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते. यहाँ idiom का यूज़ हुआ है और इस idiom को हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अ मॉर्निंग वॉक आएगा. जो हमारा एरर है वो नंबर 3 में एरर हमारा रहेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है हमारा, जो नंबर 12 सेंटेंस है उसको हम पढ़ लेते हैं. कि सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे कि क्या सेंटेंस है, उसको साइड में लिखिए और फिर देखिए इसमें एरर क्या है. अगर आपको इसमें एरर नहीं मिला, ये मुंबई 1998 का आपका पेपर है, ये भी LIC का पेपर है आपका, जिसमें से लिया गया है, LIC के पेपर में से लिया गया है. इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक इन द नियर बाय नेशनल पार्क. इट्स बीइंग अ हॉलीडे, बिल्कुल सही है. वी डिसाइडेड टू गो, बिल्कुल सही यहाँ पर लगाया हुआ है इस सेंटेंस में. वी डिसाइडेड टू गो, बिल्कुल सही है. आउट फॉर पिकनिक, पिकनिक यहाँ पर हमारा नाउन यूज़ हो रहा है. चलिए देखते हैं कौन सा नाउन है. पिकनिक हमारा कॉमन नाउन है. अगर आपको पिकनिक का मीनिंग नहीं पता तो पिकनिक का मीनिंग मैं आपको बता दूं. जनरली जब हम अपना फूड बाहर लेकर जाते हैं, स्पेशली हम आउटडोर जाते हैं अपने फूड के साथ, स्पेशली किसी फील्ड में, किसी बीच पर या फिर किसी फॉरेस्ट में, उस जगह मिलकर हम एक गैदरिंग करते हैं. पिकनिक होता है अ पर्टिकुलर गैदरिंग ऑफ सम पीपल, एंड उनका जो जाने का मकसद होता है वो होता है कि वो बाहर जाके आउटिंग करें, वहाँ पर खाना खाएं. और ये जनरली पार्क्स में होता है, पिकनिक पार्क में होता है, या फिर आपका ये किसी फील्ड में हो सकता है, फॉरेस्ट में हो सकता है, या फिर किसी बीच पर हो सकता है. पिकनिक एक कॉमन नाउन है, तो हमेशा एक कॉमन नाउन के साथ साथ एक काउंटेबल नाउन भी है. तो जब भी हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, तो काउंटेबल नाउन मैंने पहले भी बताया था, एक दो या तीन कितनी है, ये हमें सेंटेंस में क्लियर करना होता है कि पिकनिक, एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, गोइंग फॉर अ पिकनिक. जब भी हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं और हम कॉमन नाउन के साथ लगाते हैं, लाइक एन आर्मी ऑफिसर, आर्मी हमारा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, राइट. अ बॉय, यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो कॉमन नाउन आता है बॉय, हम उसे पर्टिकुलराइज करने के लिए कि वो लड़के हैं कितने, एक है, दो है, तीन है, तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं. अ बॉय, अ गर्ल, या फिर नंबर्स बताने के लिए. लेकिन इसको हम यहाँ पर, ये काउंटेबल नाउन है इसको बताने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर पिकनिक से पहले क्या यूज़ किया है, आ का यूज़ किया है. तो आज के जो हमारे सेंटेंस थे वो 12 सेंटेंसेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिनका मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. और इसके साथ साथ हमारे पास और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, उनका कोई PDF लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट यूं ही चैनल को दिखाते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड. थैंक यू सो मच, बाय.